नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल PS मोटो हब में। तो गाइस, आज आप देख रहे हैं द ओनली मारुति अल्टो इन द लेटेस्ट VXI वेरिएंट 2022 का लेटेस्ट मॉडल आप देख रहे हैं। और बहुत ही जल्दी इस गाड़ी को भी भाई फेसलिफ्ट मिलने वाला है। हम आपको बता दें 2022 के ही एंड तक आपको जो है इस गाड़ी का न्यू मॉडल एक और शोरूम्स में देखने को मिल जाएगा। बट करंटली अभी ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है और आप सभी जानते हैं कि भाई ऑल्टो जितनी सस्ती गाड़ी कोई नहीं हो सकती, क्योंकि मारुति की एंट्री लेवल कार्स में इसका नाम टॉप पर आता है। तो भाई प्राइसेस की बात करें तो ऑन रोड मैं आपको स्क्रीन में मेंशन कर देता हूं और स्क्रीन वगैरह में भी आप देख सकते हो कैसा क्या प्राइस है। तो ओवरऑल डायमेंशन वगैरह की भी बात कर लेते हैं, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ऑल ओवर फीचर्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर सब की बात करेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। होपफुली आपको वीडियो जरूर पसंद आया। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल PS मोटो। बिना किसी देरी के भाई गाड़ी के जो है हम लोग फीचर्स को पूरा का पूरा यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो आप देख सकते हो भाई कुछ ऐसी की आती है इन द VXI वेरिएंट। एक आपको यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग की बढ़िया सी की मिल जाती है जो आप देख सकते हो, और दूसरी वाली की आती है वो नॉर्मल सी है आपकी। तो काफ़ी अच्छी कीज़ है, नो डाउट। दो कीज़ होती तो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहता। और फ्रंट की बात करें तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा भाई फ्रंट आता है अपनी ऑल्टो की 800 वेरिएंट VXI मॉडल में। 800 सीसी का काफ़ी बढ़िया इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। माइलेज की बात करें तो 20 से 21 का माइलेज आपको इवन पेट्रोल में मिलता है। CNG पे 28 के माइलेज आपको यहाँ पे आराम से मिल जाती है। तो और CNG वेरिएंट की बात करें तो केवल LXI में ही आपको इसका CNG वेरिएंट देखने को मिलता है। तो गाड़ी ओवरऑल काफ़ी छोटी और काफ़ी कॉम्पैक्ट और काफ़ी अच्छी लगती है, नो डाउट। जो ओवरऑल साइड प्रोफाइल है वो भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी है। और ये हमारे एसेसरी वाले भाई जो आप देख रहे हैं, हाय बोल दीजिए अगर। हाय। और ये है इसकी बढ़िया सी बैक प्रोफाइल। क्रोम वगैरह का भी फिनिश यहाँ पे हो चुका है और कैमरे का भी फिटमेंट इस गाड़ी में ऑलरेडी हो चुका है। तो भाई गाड़ी काफ़ी सुंदर लगती है, नो डाउट। पीछे से भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है। और अब बूट खोल के आपको ज़रूर दिखाते हैं इस गाड़ी का कि भाई बूट स्पेस आपको यहाँ पे कितना ऑफर किया जाता है। तो पार्सल ट्रे यहाँ पे लगती है जो हम आपको दिखा दें, और कुछ ऐसा भाई बूट स्पेस आता है अपनी ऑल्टो में। नीचे आपको स्पेयर व्हील वगैरह भी दिया गया है। और अभी हम लोग एक बार फिर इसका एक्सटीरियर इंटीरियर कवर अप करेंगे, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिए। और यहाँ पे आपको कवरिंग भी दी गई है ऑल्टो में, काफ़ी अच्छी सी। तो बात कर लेते हैं एक बार फिर साइड प्रोफाइल से। तो यहाँ पे ब्लैक कलर ORBM आता है, पावर एडजस्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, बट यहाँ पे आपको डंडी वाला फीचर देखने को मिल जाता है जो आप देख रहे हो अंदर से। फेंडर पे आपको जो है इंडिकेटर देखने को मिलेगा। व्हील साइज़ की बात करें तो R12 साइज़ का व्हील साइज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में। और कुछ ऐसी है भाई ऑल्टो की बढ़िया सी साइड प्रोफाइल। डे लाइट में काफ़ी सुंदर लग रहा है इसका वाइट कलर, और क्रोम का फिटमेंट जो है आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। यहाँ पे अच्छी खासी ऑल्टो की बैजिंग भी आपको दे रखी है साइड मॉडलिंग के साथ, और डोर वाइजर्स वगैरह भी फिटमेंट है। पूरे एक्सेसरीज के कॉस्ट का हम लोग अभी आपको मेंशन ज़रूर कर देंगे, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और गाड़ी जो है कैमरे के फिटमेंट के साथ आ चुकी है जो आप देख रहे हैं, एज ए एक्सेसरी लगाया गया है। और यहाँ पे जो है हमें डोर वाइजर्स, सॉरी ये आपका जो है मड फ्लैप्स वगैरह भी दिया गया है एज ए एक्सेसरी। फ्रंट डोर को जैसे ही खोलेंगे तो आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया डुअल टोन का इंटीरियर मिल जाता है। बॉटल होल्डर तो नहीं आता, बट आपको फ्रंट में दो स्पीकर दिए जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई टूड इन का बढ़िया सा ऑडियो सिस्टम है, वो भी हम लोग अभी एक्सप्लोर करते हैं। बाकी स्टेयरिंग पे अच्छा खासा फिनिश मिल जाता है डुअल का क्रोम के साथ, और AC वेंट्स वगैरह भी अच्छे से दिए गए हैं, छोटे से बिल्कुल। और यहाँ पे आप देख सकते हो ORBM को ऐसे कुछ एडजस्ट कर सकते हो इन द VXI वेरियंट। ये चीज़ भाई काफ़ी पुरानी हो चुकी है लेकिन आज भी भाई चली रही है। और कुछ ऐसा है अपनी बढ़िया सी ऑल्टो का इंटीरियर जो आप देख रहे हो। तो गाइस आज चुके हम लोग बढ़िया से ऑल्टो के इंटीरियर्स पे जो आप देख रहे हो, और जो इसका टूड इन का ऑडियो सिस्टम है थोड़ा सा यहाँ पे मुझे आउटडेटेड सा फील हो रहा है, बट कोई बात नहीं, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। और यहाँ पे आप देख सकते हो बढ़िया सा आपको MID पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। 180 तक की मार्किंग दी गई है, तो अच्छा खासा स्पीड भी आपको मिल ही जाता है ऑल्टो में। और यहाँ पे जो है स्टेयरिंग आपका एडजस्टेबल नहीं है और नॉर्मल सही है राउंड स्टेयरिंग।
एसी वेंट्स काफी अच्छे काम करते हैं डुअल एयर बैग्स के साथ, ये मैंडेटरी हो गई है बिकना। सिंगल एयर बैग्स में आपको गाड़ी देखने को ही नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो बढ़िया सा आपका वैनिटी मिरर तो नहीं है और ना ही यहाँ पे टिकट होल्डर है। कैमरे का फिटमेंट काफी अच्छा हो रखा है, इसमें ही आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी हम आपको भी जरूर दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई कैमरे का फिटमेंट अच्छा सा हो रखा है। और बाकी मैनुअली एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो नहीं आते हैं, बट पार्सल ट्रे वगैरह दी जाती है आपको VXI वेरिएंट में। और नीचे आपको दो पावर विंडोज दिए गए हैं, पीछे आपको पावर विंडोज नहीं आते इन द VXI वेरिएंट। और यहाँ पे आपको दो कप होल्डर दिए गए हैं और इसका पुराना वाला RVM जो आप देख रहे हो IRVM। एक आपको यहाँ पे पावर आउटपुट चार्जर भी दिया गया है अलॉन्ग विद दिस बढ़िया सा आपका ग्लो बॉक्स। तो ऑल्टो का इंटीरियर ठीक ठाक सा, प्राइस वैल्यू के हिसाब से भाई काफी अच्छा है, द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कार लगती है। सारी चीजें मिल जाती है भाई 5 लाख रुपए में, ऑडियो सिस्टम, पावर विंडो और आपको जो है क्रोम की फिटमेंट वगैरह सारी चीजें हैं, काफी अच्छा है। और अच्छा खासा इस गाड़ी में आपको इस समय डिस्काउंट्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं इन द न्यू ऑल्टो। तो ये होगी इस गाड़ी की फ्रंट सीट्स ठीक ठाक सी स्पेस के साथ। नीचे आपको यहाँ पे लीवर भी दिया गया है आपका ओपनिंग के लिए। रियर साइड की बात करें तो मेरे हिसाब से उस साइड से थोड़ी सी ज्यादा स्पेस आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी अच्छा आपको यहाँ पे फिनिश देखने को मिलता है डुअल टोन का ही। और पावर एडजस्टेबल तो नहीं है, मैनुअली एडजस्टेबल है भाई ये सब। और थोड़ी सी स्पेस दी गई है रियर डोर पे, आपको कोई भी स्पेस नहीं देखने को मिलती है ऑल्टो में। हाइट के हिसाब से थोड़ी सी भाई यहाँ पे थोड़ी सी छोटी लगती है। और जो रियर सीट्स हैं आराम से भाई 2-3 लोग बैठ सकते हैं, बैठने का स्पेस भी और कम्फर्ट भी आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे साइड पॉकेट दी गई है एक साइड मारुति की जेन्युइन एक्सेसरीज के साथ, तो ठीक ठाक सी लग रही है अपनी ऑल्टो। और कुछ ऐसा है भाई इंटीरियर आप देख सकते हो। तो सारी बातें हम लोगों ने कवर अप कर ली, अब वीडियो को एंड करने की बारी आती है। ऑन रोड प्राइस आपको एक बार फिर इसमें मेंशन कर देते हैं एक्स शोरूम के साथ। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। होपफुली आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल PS मोटो हब। तब तक के लिए जय हिंद। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई ऑल्टो लेना 2022 में आपको अच्छा लगता है कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।